पर्यावरण संरक्षण के लिए पश्चिमी राजस्थान संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध कहावत सर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कटवा कर अगर वृक्षों की रक्षा हो सके तो भी इससे सस्ता सौदा ही समझना चाहिए। इस कहावत को जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव के लोगों ने पूरी तरह से चरितार्थ किया था, जहां संवत 1787 की भादवा सुधी दशमी को खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए विश्नोई जाति के 663 व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संत जाम्भोजी के अनुयायी विश्नोई समाज ने सदैव सामाजिक प्रतिबद्धता को उजागर किया है। जाम्बोजी ने संवत 1542 की कार्तिक पदी अष्टमी को विश्नोई धर्म का प्रवर्तन किया और अपने अनुयायियों को सबदवाणी में उपदेश दिया कि वनों की रक्षा करें। उन्होंने अपने अनुयायियों से 29 नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। 20 और 9 नियमों के पालन के उपदेश के कारण ही उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को विश्नोई संप्रदाय कहा जाता है। इन नियमों में से एक नियम हरे वृक्ष को नहीं काटने का भी था। इस संप्रदाय के सैकड़ों लोगों द्वारा खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षा के लिए किए गए बलिदान की शौर्य गाथा अत्यंत रोमांचक होने के साथ साथ आज भी सभी के लिए प्रेरणास्पद बनी हुई है। ये घटना उस समय की है जब जोधपुर जिले के किले के निर्माण में काम आने वाले चूने को निर्मित करने वाले भट्टों के ईंधन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई। लकड़ी की पूर्ति करने के लिए खेजड़ी गांव के खेजड़ी वृक्षों की कटाई का निर्णय किया गया। इस बात का पता चलते ही देवता समान माने जाने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए खेजड़ी गांव के विश्नोई समाज के लोगों ने बलिदान देने का निश्चय किया। उन्होंने आसपास के गांवों को भी अपने इस निर्णय की सूचना दे दी। एक महिला अमृता देवी के नेतृत्व में लोग सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी गांव में एकत्रित हो गए और वृक्षों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए। उन्होंने पेड़ कटाई के विरोध में अनूठे सत्याग्रह का ऐलान कर दिया कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना होगा। लेकिन हत्यारे कब रुकने वाले थे, वो टूट पड़े और जब पेड़ों को काटा जाने लगा तो लोगों के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। इस बलिदान में जान देने वाले लोगों में खेजड़ली की महान महिला अमृता देवी और उनकी दो पुत्रियां अग्रिम पंक्ति में थी। पुरुषों में सर्वप्रथम अणदोजी ने बलिदान दिया और साथ ही कुल 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राण पर्यावरण को समर्पित कर दिए। जब इस घटना की सूचना जोधपुर के महाराज को मिली तो उन्होंने पेड़ों की कटवाई रुकवाई और भविष्य में वहां पेड़ न काटने के आदेश भी दिए। इन वीरों की स्मृति में यहां खेजड़ली गांव में हर वर्ष भादवा सुधी दशमी को विशाल मेला भरता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इस मेले में देश विदेश के पर्यावरण प्रेमी भी हिस्सा लेते हैं।